दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एलिस ब्लू की वॉच लिस्ट के बारे में बताने वाला हूं। एलिस ब्लू ऐप के द्वारा वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं, वॉच लिस्ट को रीनेम कैसे करते हैं और वॉच लिस्ट में शेयर को ऐड और डिलीट कैसे करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एलिस ब्लू का अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर जाकर एलिस ब्लू में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर एलिस ब्लू ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है वॉच लिस्ट, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। ऊपर यहाँ 5 वॉच लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 0, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 और लिस्ट 4। आप इन सभी वॉच लिस्ट को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम वॉच लिस्ट को रीनेम करेंगे। आप जिस भी वॉच लिस्ट को रीनेम करना चाहते हैं उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे। अब आप इसे रीनेम कर सकते हैं। इस पेंसिल के आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ वॉच लिस्ट का नाम डालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ टाइप किया है फेवरेट, और इसे सेव कर देंगे। आपकी वॉच लिस्ट रीनेम हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं वॉच लिस्ट का नाम चेंज हो गया है। अब इसमें स्टॉक ऐड करेंगे, या तो आप यहाँ ऐड न्यू पर क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ सर्च बार में क्लिक करेंगे और इसमें स्टॉक का नाम डालकर सर्च करेंगे। आप जिस स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं इसमें उस स्टॉक का नाम डालेंगे। जैसे कि मैं टाटा पावर स्टॉक को ऐड करना चाहता हूं, मैं इसमें टाटा पावर डालकर सर्च करूंगा। स्टॉक का नाम डालते ही इसके नीचे स्टॉक सर्च होकर आ गया है। ये स्टॉक NSE और BSE दोनों एक्सचेंज पर लिस्टेड है। आप जिसे भी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं स्टॉक के सामने दिए प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अगला स्टॉक ऐड करेंगे। इस बार मैं ITC का स्टॉक ऐड करूंगा। जैसे ही मैंने इसमें ITC टाइप किया इसके नीचे स्टॉक सर्च होकर आ गया है। अब इसके सामने दिए प्लस के बटन पर क्लिक करके इसे वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। इसी तरह से आप एक वॉच लिस्ट में मैक्सिमम 30 स्टॉक ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें एक और स्टॉक ऐड कर रहा हूं। मैंने यहां पावर ग्रिड टाइप किया है, इसके नीचे स्टॉक सर्च होकर आ गया है। प्लस के बटन पर क्लिक करके इसे भी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। चलिए मैं एक और स्टॉक ऐड कर लेता हूं। जैसे ही मैंने इसमें स्टॉक का नाम टाइप किया इसके नीचे स्टॉक सर्च होकर आ गया है। प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे, ये स्टॉक भी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है। ये देखिए मैंने इसमें 4 स्टॉक ऐड कर लिए हैं। सेम इसी तरह से आप अगली वॉच लिस्ट को रीनेम कर सकते हैं। वॉच लिस्ट के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे। अब इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करके यहाँ वॉच लिस्ट का नाम डालेंगे, जैसे कि इस बार मैं डाल देता हूँ बैंक सेक्टर। इसके बाद इसे सेव करेंगे। ये देखिए वॉच लिस्ट रीनेम हो चुकी है। अब आप इसमें भी स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। चलिए फटाफट से मैं इसमें कुछ स्टॉक ऐड कर लेता हूं। यहां मैंने बैंक सेक्टर के 3 स्टॉक ऐड किए हैं। इसी तरह से आप अगली वॉच लिस्ट को रीनेम करके उसके अंदर स्टॉक ऐड कर सकते हैं। आप यहीं से किसी भी स्टॉक के ऊपर क्लिक करके स्टॉक की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, उसकी डिटेल देख सकते हैं और स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि आप वॉच लिस्ट से स्टॉक को डिलीट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको उस वॉच लिस्ट में जाना है जिसमें से आप स्टॉक को डिलीट करना चाहते हैं। इसके बाद किसी भी स्टॉक के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इस तरह से सभी स्टॉक के सामने डिलीट का आइकन आ जाएगा। आप जिस स्टॉक को डिलीट करना चाहते हैं उस स्टॉक के सामने दिए डिलीट के आइकन पर क्लिक करेंगे और इसे सेव कर देंगे तो वह स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। जैसे कि मैंने पावर ग्रिड स्टॉक के सामने डिलीट के आइकन पर क्लिक किया है तो यहां से पावर ग्रिड स्टॉक रिमूव हो चुका है। इसी तरह से आप किसी भी स्टॉक को वॉच लिस्ट में से डिलीट कर सकते हैं और आप जब चाहें वॉच लिस्ट का नाम फिर से चेंज कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इसमें मेरी कोई भी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड या स्टॉक को बाय और सेल करने की सलाह नहीं दी है। मैंने केवल उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है। अगर आपको शेयर मार्केट में किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।